इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो सभी के सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा। बिम्स्टेक, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। फिर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए होता है। फिर VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटोरियल के लिए। नाटो या नाटा इसको बोलते हैं। नाटा हमारा है नन ऑफ द अबव। NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और NDA हमारा यूज़ होता है नेशनल डिफेंस सर्विसेज के लिए भी यूज़ होता है। UPA है हमारा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के लिए। फिर PPA पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, रोल ऑन एंड रोल ऑफ। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे जितने भी हैं टेक्निकल टर्म, बेसिकली आपकी इकोनॉमी में देश के आर्थिक और शैक्षिक स्तरों पे या किसी भी लेन देन तौर पे इनका यूज़ किया जाता है। ODF हमारे ओपन डिफेंस फ्री के लिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए। फिर NEFRA नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। SAFER सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस कोड का यूज़ करती हैं। जब शिपिंग में क्या होता है, जब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, वो भी हमारे जितने भी समुद्री मार्ग हैं या सी एरिया हैं वहाँ से जब होता है तब इसका यूज़ होता है। ई फेरो फॉर्जिनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये फॉर्जिनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए होता है, जो इंडिया के बाहर के लिए हमारे जो भी डॉक्यूमेंटल होते हैं, जो हमारे दूतावास वगैरह होते हैं। दूतावास मतलब जो हमारे एक शांति दूत वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ से वहाँ तक हमारे देश का संबंध बनाए रखते हैं, उनके लिए यूज होता है। दर्पण इज़ अ डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, जो न्यू इंडिया नया भारत हेल्दी भारत और इस मिशन में जो हमारी चीज़ें आई हैं उसमें हमारा दर्पण का यूज़ होता है, जिसमें हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि गांव-गांव में यहाँ तक कि हमारे किसान तक के भी पास एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो लैपटॉप चलाना जानता हो, मोबाइल चलाना जाता हो। इसके तहत ये सारी आए दिन भारत में योजनाएँ आती रहती हैं जिसमें लोक कल्याण के लिए बात की जाती है। रेरा रियल इस्टेट रेगुलर अथॉरिटी। फिर लाईफाई, जैसे वाईफाई है वैसे लाईफाई है, लाइट फैलिडिटी, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के थ्रू या लाइट के कनेक्शन को वहाँ पे प्रोवाइड कराना। फिर क्या है स्फोटरी, हमारा SFORTI यूज़ होता है स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए। स्पर्श स्कॉलरशिप है फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च स्टेम एज हॉबी, उन छात्रों के लिए या लोगों के लिए है जो रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा स्किल रखते हैं लेकिन किसी वजह से बीच में छोड़ उनकी पढ़ाई छूट गई या वो 30 साल के ऊपर गए हैं, जो फिर से इस फील्ड में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, स्पर्श उनके लिए ये है। साथ ही ये दो बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अभी रिजल्ट की, UPSC की। सस्टेनेबल एंड एक्रिलेटेड एडाप्टेशन ऑफ इफिशियंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री, साथ ही वो है जो हमारे उन भाई बहनों का हाथ पकड़ती है जो इंडस्ट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या बहुत स्मॉल स्केल की वो वर्क करना चाहते हैं उसके लिए है। फिर आइकन इंटरनेशनल कैंपियन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, आइकन हमारे न्यूक्लियर जो परमाणु बम होते हैं उनके जो टेस्टिंग होती है उनको बनाना, उनको सोल्ड करना, उसके लिए यूज़ होता है। फिर क्या है GSTN गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो आपने GST और टैक्स GDP एक्सेट्रा पढ़ा है उसी में GSTN आया है। गुड एंड सर्विस के साथ इसी में टैक्स नेटवर्क को भी जोड़ दिया गया है।
गुड सर्विस क्या होती है, जो बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। WWPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होती है। फिर उसके बाद GST गुड एंड सर्विस टैक्स, साथ ही अभी जस्ट आपने पढ़ा है सस्टेनेबल एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉरी साथ है ये वहाँ पे साथ ही था यहाँ पे भूलेंगे नहीं साथ साथ सस्टेनेबल एक्रेडिटेड अडॉप्टेशन है जहाँ पे हम छोटे उद्योग के लिए हेल्प करते हैं यहाँ पे साथ है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। भीम है हमारा भारत का इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर के लिए। भीम UPI जो भारतीय राज्य बैंकों ने स्टार्ट की है जिसमें मुख्य रूप से हमारा SBI बैंक है जिसने भीम UPI को कंडक्ट कराया है जिससे मनी ट्रांसफ़र बहुत ही ईजी हो गया है ऑनलाइन। उड़े ये हमारी क्या है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना है जिसमें युवाओं को और जो हमारे किसान भाई होते हैं उनके भविष्य के लिए बीमा वगैरह मिलती है प्लस लोन वगैरह। उड़े देश के आम नागरिक जिसमें देश के आम नागरिकों को उनकी पहचान मिल सके उनके लिए ये योजना बनाई गई है। उज्ज्वला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। उज्ज्वला योजना वो है जिसमें गांव-गांव में बिजली को पहुंचाया जाए। फिर क्या है मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट एजेंसी। फिर उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट। उस्ताद है जो सांस्कृतिक तौर पे जो जिनमें स्किल्स है या कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये योजना आई है। इसके तहत क्या कहते हैं बच्चों की कला को ड्राइंग को या किसी की प्रैक्टिकल स्किल है प्रोजेक्ट रोबोटिक ये सारी चीज़ें होती हैं हथकरघा आर्ट एंड क्राफ्ट। अमृत अटल मिशन फॉर रीजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारे शहरी हैं वहाँ पे रिजुवेनेशन मतलब उनको और भी ट्रांसफॉर्म करना 4G से 5G की कैटेगरी में ले आना ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसके तहत। हृदय में हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट जिसमें हेरिटेज सिटी में हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका अरेंजमेंट करना उनको डेवलप कराना उनको नुकसान होने से बचाना और उनका मॉडिफिकेशन करना। ISI इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम शायरी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के तहत ही हमारी ये योजना आयोग आई है पहले इसी को नीति आयोग बोलते थे जिसमें क्या है हमारी पढ़ाई लिखाई के शैक्षिक विभाग को और जो कोठारी आयोग था उसमें संशोधन करके उसको एप्लीकेबल बनाना। TRI टेलीफोनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरदा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उड़ाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। VAT वैल्यू एडेड टैक्स जो VAT हमारा लगता है जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है उसके आधार पर और उसका कॉस्ट ऑफ प्राइस मार्केट में कितना जा रहा है। नोटा हमारा नॉन ऑफ द अबू। अब IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। नीट क्या है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT है जिसमें हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं NEFT में। IFSC इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है। अमृत अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन शहरीकरण में और भी उदारता लाने के लिए अमृत ये अटल बिहारी जी के वाजपेयी के समय में अटल मिशन ये लागू हुआ था और इसको अभी तक कंडक्ट कराया जा रहा है। ORoP वन रैंक वन प्रिवेंशन यहाँ पे ये हमारे सरकारी भाई बहनों के लिए किया गया है जिसमें भेदभाव ना हो और अगर एक ही पोस्ट पे 4 लोग कार्य कर रहे हैं तो उनकी एक तरह की पेमेंट होगी और एक तरह की पेंशन मिलेगी उसमें उम्र का या किसी और कोटे का या
भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि जाति का भी, एससी एसटी ये सब भी नहीं किया जाएगा। आप आम आदमी पार्टी IRTC इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, ये कोबरा हमारे बटालियन वालों के लिए है, कमांडो के लिए जिसमें बटालियन बनाई जाती है, जिसमें रिसोल्यूट एक्शन को वो कराते हैं और उनको हाई सिस्टम के थ्रू उनको ट्रेन कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो किसी भी मिशन पे जा सकें। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देना और मजदूरों की दिनचर्या का ख्याल रखना। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी से भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, इसमें लॉ से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड हमारी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारी सुरक्षा से लेकर कितनी भी चीज़ें होती हैं वो DRDO देखता है। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, किक हमारा CIC ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस है, ये हमारी जो गैसों को लिक्विफाई करके हाई प्रेशर पे बनाते हैं, आजकल हमारी बसों में ऑटो में और घरों में भी यूज होने लगी है CNG। DTS डायरेक्ट होम सर्विसेज है, NRI नॉन रेसिडेंटियल इंडियंस होते हैं जिनका आवास नहीं होता है लेकिन उनको बाद में फिर दिया जाता है, उनके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। फिर FCNR है हमारा फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंटियल के लिए। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो जब हम भारत के बाहर जा रहे हैं या आते हैं तो कुछ हम लोग को छूट दी जाती है कितना हम कैश अपने पास रख सकते हैं, तो ये कोडिंग उनमें यूज होती है या कोई भी इंडस्ट्रियल लेन देन होता है।